चलो भाई एक दो तीन नेक्स्ट मॉर्निंग और आज हमारा फिर से क्या मतलब हमारी टीम का तो आज ही मैच है राइज 22 यार्ड्स वर्सेस देखी जाएगी और ग्राउंड की लोकेशन देखो भाई एक नंबर सुबह सुबह 7 बजे के आसपास टाइम है तो मैं भी आपको टीम से बात करवाता हूँ और फील्डिंग का ध्यान रखेंगे बस ठीक है ना अब ड्रॉप नहीं और थ्रो पे बैकअप पे एक दूसरे को प्रोवाइड नो बॉल चलो भाई एक दो तीन पहली विकेट मिली टीम को एक दो तीन सेक्टर 66 गुड़गांव मैच इज रनिंग 11th ओवर फर्स्ट इनिंग 11th ओवर 10 ओवर में इनके हैं 80 रन एट 4 विकेट्स तो देख एक और विकेट भाई कैच आउट हो गए सेक्टर 66 राइजर 22 यार्ड्स हमारी टीम का मैच अब भैया क्या रहा बॉलिंग में आज पहले तो चिताई होगी थी 10 ओवर 80 थे और उसके बाद काफी अच्छी लड़के 3 ओवर 8 रन 4 ओवर 22 रन 2 विकेट बॉलिंग स्टार्टिंग में बहुत खराब रही पहले 2 ओवर बहुत पिटे उसके बाद अच्छा कमबैक किया थोड़ा सा बाद में बैट्समैन भी कुछ हल्के हो गए 3.2 ओवर 2 विकेट हमारे पेसर साथी संदीप कुमार ये भाई ये ऐसे फेंकते हैं बैट्समैन नहीं आते इनके यहाँ भाई 3 ओवर 20 रन 2 विकेट मैगी खाएंगे भाई साहब भूख लगी अभी थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल किया ना उस वजह से थकान हो गई थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल लाइन बागड़ी में इन ने फैन बिगड़ दिए मिल जा फैन बांग इधर बैट्समैन को यहां पर दो ये बात ये बोल रहा ऐसे नहीं लग बागड़ी बोल रहा है बस हिंदी भी बोल रहा है तो भी बोलर बागड़ी ढंग बोल रहा ही गोंगा हिंदी लेवे बीच-बीच में बैठे बढ़िया भैया बढ़िया और ये संदीप भंडारी जी इनको फाइटर ऑफ द मैच मिला है तो कैसा लगा आपको आज का मैच बहुत बढ़िया लगा ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं भाई जब मैच में कुछ मिलता है तो ट्रॉफी और संडे के दिन वेट करते हैं इसी के लिए स्पेशली और उसके बाद अगर ऐसा दिन बन जाए तो मजा आ जाता है हाँ ठीक है हमारी बैटिंग थोड़ी सी कम रही मतलब ढंग से नहीं कर पाए जो करना चाहिए था क्योंकि 13 रन से हारे 106 पे ऑल आउट कर दिया था 17 ओवर में और 19 ओवर तक हम खींच के ले गए एक ओवर हमारा बचा था 13 रन का रिक्वायर्ड था लास्ट में बट कहीं ना कहीं बैटिंग का रहा जो थोड़ा सा
हमारे दो चार प्लेयर को थोड़ा सा रुकना चाहिए था, जो अगर एक आध थोड़ा सा रुक के खेले तो हम जीत जाते। जी जी हाँ। पहली बात तो जो ग्राउंडमैन है उसने बहुत घटिया पिच बना रखी थी यार। अच्छा, लो विकेट था, बाउंस नहीं था, मॉइस्चर था, सुबह बॉल रुक रहा था। अच्छा, तो अभी हमने 106 पे उन्हें आउट भी कर दिया। उसके बाद में उनके पास दो लेफ्ट हैंड स्पिनर थे। लेफ्ट हैंड स्पिनर का बेनिफिट ये होता है कि वहीं से अंदर और एंगल से अंदर और वहीं से टर्न हो के बाहर, मतलब ये नहीं पता था कि बॉलर को भी नहीं पता चल रहा था कौन सी अंदर जाएगी कौन सी बाहर जाएगी, क्या ही करेगा बैट्समैन को। ओके, बस क्लोज मैच हुआ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। एक हंडे का वेट करते हैं। अच्छे विकेट के लिए कुछ बोलना चाहूंगा? अच्छे विकेट, हाँ, शॉट अच्छे थे। इस भंडारी भाई ने बहुत अच्छे स्वीप शॉट मारे हैं। क्लास, अगली बारी में मेरे को कुछ देना चाहूंगा? 7-8 नंबर। फालतू की बात नहीं सुननी, जल्दी को बात करोगे नहीं? ग्राउंड से आ रहे थे रास्ते में, मेरे को ये रेस्टोरेंट दिखा, देखो अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये रेस्टोरेंट है प्रॉपर प्लेन में, आउटर सीटिंग, आउटर सीटिंग, कूलर लगा रखा भाई प्लेन में, देख लो। तो भैया आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मैच हार गए, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज था, काफ़ी क्लोज था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।